नमस्कार दोस्तों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने कक्षा सिक्स सेवन एट में जो अध्ययन किया था वो भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल का भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन घटनाक्रमों के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो देखिए, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो विश्व की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना जा रहे हैं। तो देखिए, भारत के इतिहास के साथ साथ जो विश्व में होने घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उन घटनाओं से भारत ने भी प्रेरणाएं ली हैं और उनका अनुसरण भी किया गया है। तो देखिए, विश्व के क्रांतियों की बात करते हैं तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को प्रभावित किया है बल्कि फ्रांसीसी क्रांति से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है, उससे प्रेरणाएं ली हैं। क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना पर बल देती थी। और फ्रांसीसी क्रांति जो राजतंत्र है निरपुंस, उसका इन्होंने खंडन किया, विरोध किया। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति अक्सर हम बात करते हैं 14 जुलाई 1789 को शुरू होती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर कुलिन जो राजतंत्र है, निरपुंस राजतंत्र है, इसका इतना आतंक फैल गया था जिससे जनता परेशान हो गई और टाउन हॉल में राजा के खिलाफ, राजा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए इकट्ठी हो जाती है। 7,000 पुरुष महिलाएं इकट्ठे हो जाते हैं और जनसेना का गठन करते हैं। जनसेना का गठन करके इनका उद्देश्य यही था कि बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र खजाने हैं उन खजाने को लूटना और राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाना। तो देखिए, उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ में मिलकर के पेरिस के पूरी भाग में एक बास्तिल किला है, उस किले को घेर लेते हैं और उस किले पर आक्रमण कर लेते हैं। वहाँ की जेल होती है उस जेल को भी नुकसान पहुँचाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, पूरे किले को तहस नहस कर देते हैं और किले में रखे गोला बारूद उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और वहाँ पर जो वास्तविक किले की जो कमांडर निगरानी रखता था वो उसको मौत के घाट उतारा गया। सम्राट की निरपुंस शक्तियों का प्रतीक बास्तिल का दुर्ग जो जनता को अखड़ने लगा था, इसलिए जनता ने उस दुर्ग के जो टूटे फूटे अवशेष रह गए थे उसको भी बाजारों में बेच दिया, जो लोग उसको खरीद करके अपने संग्रहालय में रख सके। इन सभी घटनाक्रमों की बात करते हैं तो इस सभी घटनाक्रम के अंदर महत्वपूर्ण बात आती है, वो पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि
जो भूमिहीन मजदूर नौकर लोगों के वश की बात नहीं थी, अत्यधिक उसके ऊपर कर लगाए गए थे, जिससे जनता परेशान होकर के लुई सोलवा के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। यहाँ तक अपन कह सकते हैं जो फ्रांसीसी का जो निरपुंस राजतंत्र है उसका सियासन को है वो इला डुला कर रख देते हैं। अंत में सम्राट को हार माननी पड़ती है और फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। ये सब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति में, जो बात करते हैं तो फ्रांस के शासक लुई पंद्रहवा 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक प्रशासन करता है, लेकिन लुई पंद्रहवा ये भी एक अयोग्य शासक था। इस शासन काल में उन्होंने राज्य कोसी जो खजाना था उसको खाली कर दिया था। 1774 ईस्वी में लुई पंद्रहवा की मृत्यु के बाद में अगला शासक लुई सोलवा जो 1774 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक वो शासन करता है, मात्र 20 वर्ष की आयु में ही वो शासक बन जाता है। इनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई। उस समय हम बात करते हैं तो खजाना खाली था, लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण आर्थिक संसाधन, यह अपन कह सकते हैं वित्तीय संसाधन है, उसकी भी कमी थी। वर्षाए के जो विशाल बड़े बड़े जो महल थे राज दरबारों के अंदर, जो शानो शौकत की वजह से फिजूल खर्ची दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ये संपूर्ण कर्ज है वो राज खजाने पर पड़ा। इसके अलावा फ्रांस ने अमेरिका के 13 औपनिवेशिक देश थे जो ब्रिटेन के आधिपत्य में थे उसको स्वतंत्र करवाने के लिए भी फ्रांस ने सहायता की थी, जिससे निरंतर युद्ध करने की वजह से फ्रांस के पास 10 अरब लीरे का कर्ज है वो बढ़ गया था। इसके अलावा युद्ध से पहले भी फ्रांस पर अत्यधिक फिजूल कर्ज की वजह से 2 अरब लीरे पहले से ही कर्ज था। लीरे ये एक फ्रांस की मुद्रा थी जिसको 1794 ईस्वी में समाप्त की। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फ्रांस पर इतना कर्ज बढ़ गया था कि कर्जदाता भी सरकार से ब्याज 10% बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जैसे बात करते हैं नियमित कर से सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि की, लेकिन वृद्धि करने के बावजूद भी वो फ्रांस का जो कर्ज है उसको कम नहीं कर पाया, यानी नाकाफी था। 18वीं सदी की बात करते हैं, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज है वो विशेषकर 3 वर्गों में बटा हुआ था, जो आपको साइड में पूरी टेबल दे रखी है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग जो ईसाइयों के जो धर्म प्रचारक होते हैं, जैसे हिंदुओं के साधु संघ, उसी प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों को पादरी कहा जाता है। तो फ्रांस में पादरियों का भी बोलबाला था, उसको भी विशेषाधिकार प्राप्त था। द्वितीय वर्ग के अंदर कुलीन वर्ग आता था जिसमें राजा और सामान्य राजा के संपूर्ण वंशज इसमें आते थे। तृतीय स्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील आदि आते थे। इसके अलावा
किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, सीमांत किसान आदि तीसरे वर्ग में या कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी तीन कैटेगरी हैं और इसमें भी गरीब और अमीर दोनों प्रकार के हैं। जैसे व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील जो कारीगर हैं वो अमीर हैं, भूमिहीन मजदूर, नौकर, सीमांत किसान ये गरीब की श्रेणी में आते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राचीन राजतंत्र जो 1789 ईस्वी से पहले फ्रांसीसी समाज व संस्थाओं के लिए प्राचीन राजतंत्र नामक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो हम फ्रांस के सामाजिक जीवन या समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर तीन कैटेगरी बताई गई हैं, जिसमें पादरी, कुलीन और तृतीय वर्ग के जो अमीर लोग हैं उसके पास कुल भूमि का 60% है, वो जमीन इन लोगों के पास थी। जबकि किसानों की बात करते हैं तो फ्रांस में किसानों की कुल आबादी 90% थी, लेकिन उसके पास मात्र ही जमीन थी। कुलीन वर्ग की बात करते हैं तो उसको जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे हम कोई भी व्यक्ति है उसको जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यताओं के बल पर वो कार्य करता है, कार्य में सफल होता है। लेकिन फ्रांसीसी जो निरपुंस राजतंत्र हैं उन्होंने पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से ही विशेषाधिकार प्रदान किए हैं। तो देखिए उनके क्या विशेषाधिकार थे, तो उनको महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दिया था कि उसको करों से बिल्कुल ही मुक्त रखा था, यानी जो राजा कर वसूलते थे वो पादरी व कुलीन वर्ग से बिल्कुल ही कर वसूली नहीं करेंगे। इसके अलावा कुलीन वर्ग को विशेष सामंती अधिकार भी प्राप्त थे, जिससे वो किसानों से सामंती नामक कर वसूल करते थे। इसके अलावा वो किसानों से जबरदस्ती, जिसे अपन कह सकते हैं बेगार, बिना पारिश्रमिक कार्य करवाना, उसको अपने घरों में, खेतों में, सैन्य सेवाओं में या सड़क निर्माण में उसको जबरदस्ती कार्य के लिए बाध्य किया जाता था। मना करने पर उसको सजाए दी जाती थी। पादरी वर्ग की बात करते हैं, पादरी वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको भी करों से मुक्त रखा था, उससे कर वसूली नहीं की जाती थी। और पादरी वर्ग भी तृतीय स्टेट के समूह से कर वसूलते थे, जिसका नाम है टाइड। तो देखिए टाइड एक कर, धार्मिक कर है, जो तृतीय स्टेट के वर्ग से वसूला जाता था। ये कुल कृषि उपज का 10वें भाग के बराबर है वो कर लिया जाता था। इसके अलावा टाइड ये प्रत्यक्ष कर है जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। इसके अलावा अन्य अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे, जैसे नमक पर कर, तंबाकू, यहाँ अपन कह सकते हैं अन्य जो दैनिक जीवन में जो काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर वो कर लगाया जाता था। इस प्रकार वित्तीय कामकाज का सारा बोझ है वो जनता ही, अर्थात अपन कह सकते हैं तृतीय स्टेट या वर्ग के लोग ही अदा करते थे, जिससे लोगों में राजतंत्र के खिलाफ घृणा, द्वेष उत्पन्न हो गया। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, जीने का संघर्ष। तो देखिए जीने के संघर्ष की बात करते हैं
तो फ्रांस की जब जनसंख्या की बात करते हैं 1715 ईस्वी के अंदर 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, जबकि हम बात करते हैं 1789 की क्रांति की बात करते हैं उस समय बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई। अर्थात अपन कह सकते हैं जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अनाज उत्पादन में कमी रही, जिससे अनाज उत्पादन की मांग बढ़ी। आहार महंगाई बढ़ने के कारण मुख्य जो खाद्य रोटी थी पाव रोटी, उस पर कीमतों में वृद्धि हुई। यहाँ तक जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे उसकी मजदूरी का जो निर्धारण है वो कारखाना मालिक तय करते थे, और इतनी कम मजदूरी थी कि वो संपूर्ण मजदूरी उस महंगाई के सामने बिल्कुल ही न के बराबर थी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं गरीब गरीब बनता जा रहा था, अमीर अमीर बनता जा रहा था। गरीब और अमीर के मध्य जो फासला है वो दिन रात है वो बढ़ता जा रहा था। स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही थी, और ऊपर से सूखे अकाल ओले गिरने से भी किसानों की फसलें खराब हो जाती थी, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। उनकी आजीविका है वो संकट में पड़ जाती है। आजीविका संकट शब्द ये क्या है? ये जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन उपलब्ध करवाने के लिए असंभव को जीविका संकट कहा जाता है। यानी जीविका संकट व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, पूरा करने में उसको दिक्कत आती है, तो उसे जीविका संकट कहा जाता है। अब आज इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, उसका किस प्रकार समाधान किया जाता है। ये आपके एक प्रकार का प्रश्न भी अपन कह सकते हैं कि जीविका संकट कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। और ये आप पे प्रश्न भी बनता है तो इसको कल समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही।